हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम आपको डिस्कस करने वाले हैं कि ऑटो कैड और स्केचअप में डिफरेंस क्या है। कई लोग कहते हैं कि सर 3D मॉडलिंग तो ऑटो कैड में भी कर सकते हैं, फिर स्केचअप सीखने की क्या जरूरत। तो आज हम इसी बात को आपको क्लियर करने वाले हैं कि स्केचअप और 3D ऑटो कैड में क्या डिफरेंस है। देखो दोस्तों, ऑटो कैड तो बेसिक सॉफ्टवेयर, इसलिए मैं ये नहीं कह सकता कि ऑटो कैड आप मस्ट सीखो, क्योंकि ऑटो कैड से आप ड्राफ्टिंग, सेक्शन, एलिवेशन, डिटेलिंग हर एक चीज़ कर सकते हो। इवन आप BOQ निकाल सकते हो, उसके लिए कमांड होती है डाटा एक्सट्रक्शन। आपको नहीं पता होगा, मेरे एक वीडियो है उस पर आप देख सकते हो तो किस तरीके से हम लोग BOQ निकाल सकते हो, वो भी उसमें हो सकता है। चलिए बात करते हैं स्केचअप और ऑटो कैड का जब कंपेरिजन की आती है, तो देखो दोस्तों 3D मॉडलिंग हम लोग ऑटो कैड के अंदर भी कर सकते हैं। उसके अंदर कई प्रेसपुल कमांड होती है, शूट कमांड होती है, सेल कमांड होती है, यूनियन होती है, सब्ट्रैक्ट होती है, इंटरसेक्ट होती है। इन कमांड के थ्रू हम एक अच्छा मॉडल 3D में तैयार कर सकते हैं ऑटो कैड में। बट ऑटो कैड की जो रेंडरिंग होती है और उसमें जो मटेरियल की क्वालिटी होती है, वो उस क्वालिटी की नहीं होती कि हम मार्केट में कंपटीटर बन सके किसी के। इसलिए कंपटीटर बनना है तो आपको हाई लेवल पर जाना पड़ेगा। उसके लिए आपको स्केचअप जैसे इजी सॉफ्टवेयर को सीखना पड़ेगा। स्केचअप मैक्सिमम और आउटपुट कम इनपुट में दे देता है, मीन्स आपको ज़्यादा एफोर्ट नहीं करना है। उसके अंदर बहुत ईजी कमांड्स हैं, आप स्केचअप में अच्छे मॉडल बना सकते हो। सबसे बड़ी बात है कि स्केचअप के अंदर आप वीरे का प्लगइन ऐड कर सकते हो। वीरे का प्लगइन अगर ऐड किया दोस्तों, तो वीरे के प्लगइन से हम लोग एक क्लियर रियलिस्टिक व्यू निकाल सकते हैं। कैसा कर सकते हैं? रियलिस्टिक व्यू निकाल सकते हैं, जिससे हमारा वीडियो बहुत, जिस तरीके से हमारा लाइक जो भी हमारा मॉडल है, वो मॉडल बहुत ही अच्छा देखने में लगने लगता है। स्केचअप में हम लोग इंटीरियर भी बहुत ईजिली कर सकते हैं। स्केचअप में हम लोग रेंडर के साथ वॉक थ्रू बना सकते हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे वॉक थ्रूज तैयार कर सकते हैं स्केचअप में। इस तरह के कुछ एडवांटेज है जो स्केचअप ही केवल दे सकता है। ऑटो कैड में मॉडलिंग उतनी अच्छी नहीं होती, इसलिए मैं ऑटो कैड की मॉडलिंग प्रीफर नहीं करूँगा, आपको स्केचअप की मॉडलिंग प्रीफर करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में आया होगा कि स्केचअप किस लिए है। स्केचअप 3D मॉडलिंग के लिए है और 2D के लिए सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर ऑटो कैड है। उससे अच्छा अब तक सॉफ्टवेयर नहीं आया। 1982 में जॉन वॉल्कर ने सॉफ्टवेयर को बनाया था ऑटोडेस्क कंपनी के थ्रू, और ऑटोडेस्क को फाउंडर भी रहे हैं। तो ये सॉफ्टवेयर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है कम्पेयर टू स्केचअप। स्केचअप को पहले गूगल ने खरीदा था, काफ़ी ज़्यादा कंपनियाँ यूज़ करती थी। पहले स्केचअप फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता था, अभी 45-50,000 पे आपको पेड स्केचअप सॉफ्टवेयर मिल सकता है। आप अपने प्रोजेक्ट से स्टार्ट कर सकते हो इसको खरीद के और अच्छे से सीख के। और इसके अलावा आपको ये ट्रायल वर्जन में सीखने को भी कंपनी देती है। होप आपको समझ आया होगा कि ऑटो कैड और स्केचअप में डिफरेंस क्या है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।